श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जिस समय सत्ता में आई थी तो ऐसा लगता था जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, गारंटियों के सहारे ये सरकार आई थी और अभी 6 महीने बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां उसी प्रकार की हैं जैसी उस समय थी जब सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने थे। आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, गारंटियों की बात करिए, हर जगह पे सुक्खू सरकार फेल हुई है और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा होकर सरकार चला रहा है और ये वातावरण एक निराशाजनक वातावरण है और आम जनमानस इनके 6 महीनों के कार्यकाल से दुखी। एक मुहावरा है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वो इस सरकार की हालत है। ये परिस्थितियां आज बनी है क्या? आज से 5 वर्ष पहले क्या ये परिस्थितियां नहीं थी? आज से 5 वर्ष पहले क्या कर्जा नहीं था? कर्जा उस समय भी था लेकिन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने सारी परिस्थितियों को समझते हुए ठीक तरीके से उसको चलाया, जिसके कारण से हम लोगों के समय में भी ये प्रॉब्लम थी लेकिन हम लोगों ने ऐसे गाने नहीं गाए स्टेजों के ऊपर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोए नहीं हम कि आर्थिक बदहाली की तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ आप ये बता रहे हैं हमारी आर्थिक बदहाली हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप लोगों को 10-10 गारंटियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों के अंदर कंट्राडिक्शन है। लेकिन मैंने पहले ही शब्द प्रयोग किया है, अनुभवहीन लोगों की जो है वो लोग जो है वो राज कर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने के लिए, समझने के लिए उनका मैं ये कह रहा हूं कि उनको वो चीजें समझ नहीं आ रही। आपके ध्यान में रहे हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और एक ध्यान में आपके और बात रहे कि 1,95,000 करोड़ रूपये के MOU साइन हुए थे, उसमें से 35% MOU धरातल के ऊपर आए, उनमें मशीनरी का काम हुआ, कहीं पर कमीशनिंग हुई, कहीं पर बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस प्रकार का 35% की जो काम है वो हुआ है और ये जो 35% का जो काम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ हो और उसका 35% धरातल पे इस प्रकार से इतने समय में आया हो, ये एक रिकॉर्ड है। इसलिए ये कहना कि काम नहीं हुआ ये बिल्कुल गलत है। तो सरकार को जिस प्रकार का प्रोसेस लगातार चला हुआ था उसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछली सरकार के समय में जब मैं इसका उद्योग मंत्री था, आपके क्षेत्र के अंदर एक बार देखिए जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये उस समय आया है, ऊना के अंदर आपका बल्क ड्रग पार्क आया है। तो ये जो चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में एस्टेब्लिश हुई हैं ये हिंदुस्तान के केवल और केवल 3 या 4 राज्यों के अंदर ऐसा हुआ है। इसलिए उस समय अच्छा काम हुआ है, हम ये चाहते हैं ये सरकार भी अच्छा काम करे, लेकिन केवल और केवल हम बोले स्टेज के ऊपर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपको आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। HRTC का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लाई चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक कोई भी है, उसको 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवरटाइम लगाता है उसको ओवरटाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से HRTC को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है।